हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आई नो ब्लॉग बहुत ज़्यादा डिले हो गए हैं, क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन में कहीं जा नहीं पा रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है मेरा, इसके वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। तो अभी मैं हूँ बारीपदा में, यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लंबे लंबे मेरे बाल देख रहे हैं आप, पहले हम जाएंगे इनको काटेंगे। और मेरी बहन ने कुछ एक पार्सल मेरे को लाने बोला था उसका, तो मैं यहाँ से वो उठाऊँगा पहले। और सबसे पहले हम ATM जाएंगे, उसके बाद जाएंगे ये अपने बालों को मुंडवाने। और कल का कुछ एक बहुत ज़्यादा स्पेशल प्लान तो नहीं है, बट एक छोटा सा राइड है। काफ़ी समय हो गया मैंने कोई भी ट्रैवल ब्लॉग्स नहीं किया, तो कल सोच रहे हैं छोटा सा एक राइड करेंगे। और यहाँ पे बातें बहुत हो गई, सीधा चलते हैं बाल काटने। आखिरी बार अपने बालों को देख लेते हैं, ये अलविदा मेरे बाल। ओके, तो राइड के लिए रेडी हो गए हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं निकल चुका हूँ घर से। ये सुबह लेट सो के उठने का आदत मेरे को छोड़ना पड़ेगा। और अभी सोनू को पिकअप करना है और जा रहे हैं आज हम लोग बांगरीपुर से जा रहे हैं। बांगरीपुर से मेरे यहाँ से होगा करीब 60 या 70 किलोमीटर के आसपास। वेदर अच्छा है, धूप हो रहा है, 2-3 घंटे में पहुँच जाना चाहिए वहाँ पे। सोनू के पास पहुँच जाऊँगा मैं आधा एक घंटे में, कॉल मैंने कर दिया उसको, चलते हैं, लेट हो रहा है। और कमेंट में बताना हेयर स्टाइल कैसा है। चलो मैं पहुंच गया हूं यहां पे बांगरीपोसी के घाटी में। यहां पे ये इधर पे घाट का रास्ता है और आने में लग गया हम लोग को 2.5 घंटे लग गए, स्लो आ रहे थे रास्ते, बीच में बारिश थोड़ा हो रहा था। यहां से जाएंगे थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर आगे एक मंदिर है, वो मंदिर का वहां पे थोड़ा शॉर्ट्स लेंगे और घाटी का थोड़ा शॉर्ट्स लेंगे। और मौसम बहुत ही अच्छा है आज, और अभी भूख भी लग रहा है, बट बाहर तो कहीं खा नहीं पाएंगे। थोड़ा सा सोच रहे हैं पहाड़ के ऊपर जाके आपको दिखाएंगे कि ऊपर से नज़ारा कैसा दिख रहा है यहाँ पे। प्लान तो कर रहे हैं मैं और सोनू ऊपर चढ़ने का थोड़ा, बट देखते हैं आगे क्या होता है, रास्ता कैसा है। और जो गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे पीछे, यहाँ पे थोड़ा खतरनाक चला रहे हैं सब, तो यहाँ पे इतना ही करते हैं सीधा ऊपर। तो चले जिसकी बात कर रहा था मैं, ये घाटी का मिडिल है ये वाला। और यहाँ से आगे है बिसोई जाने का रास्ता और जौसीपुर और क्योंझर का भी रास्ता यही है। और अभी हम लोग आगे जाएंगे या नहीं ये डिसाइड नहीं किया हमने, बट आई थिंक यहाँ से हम लोग थोड़ा सोच रहे थे कि यहाँ पे जो पीछे पहाड़ है यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि उसको ज़रा चढ़ेंगे आगे जाके, बट चढ़ना पता नहीं, अभी बारिश हुआ है तो पैर वैर स्लिप करेगा और पानी भी चल रहा है वहाँ पे नीचे, तो शायद चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, चढ़ पाते हैं या नहीं, बट फिलहाल तो मेरे को भूख लगा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पहुँचने में भी लेट हो गया फिर से। सोच रहा हूँ मैं भी एक यहाँ पर बांध दूँगा, लॉकडाउन जल्दी खुल जाए इसके लिए। Thank you.
माउथ ऑफ अटैक टू म्यूजिक स्टंट। क्या हुआ बे? लगता है आज एडवेंचर हमारे नसीब में नहीं लिखा है। यहाँ से जो पीछे से रास्ता गया है, यहीं से ऊपर पहाड़ चढ़ने का रास्ता था और यही वाला रास्ता है एक्चुअली। तो यहाँ से अभी तो जा नहीं पाएंगे, यहाँ से पानी बह रहा है और पता नहीं थोड़ा डर सा लग रहा है, साफ वाफ होगा कुछ अंदर यहाँ पे। तो अभी सोच रहे हैं यहाँ से सीधा निकलेंगे और क्या ही, तो अभी सोच रहे हैं यहाँ से निकलेंगे और बारिश भी होने वाला है काफ़ी ज़्यादा। मौसम बदल गया है यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गया। ओके, और ये भी करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और अभी ड्राइव सोनू करेगा। जोड़ी जोड़ी दुकान पर मांग ले देना, पैसा दबा मैं नहीं जो तो ये है मंदिर और यहाँ का हिस्ट्री ज़्यादा तो मेरे को पता नहीं है, आप गूगल कर सकते हो। और ऐसे तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम तो मेरे को नहीं पता। अभी तो बारिश हो रहा है और खाली है यहाँ पे, अभी फ्री हो तो आ जाओ। तो अभी बज रहे हैं 12, अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है और उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आगे एक और नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए टाटा।